जी, मैं अदालतों के हवाले से ये पूछना चाह रही थी कि आप समझ रहे हैं कि अब पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, तो आने वाले वक्तों में पीटीआई को एक नए रूप या एक नए रंग में, या फिर पीटीआई को कुछ स्पेस मिलने जा रहा है? देखिए, स्पेस की बात नहीं है, स्पेस उनको अदालत के जरिए से काफी टाइम से मिल रहा है। और अभी पता है क्या हुआ है, अभी पाकिस्तान ने देखा, हम कुछ रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले। अभी आज की तारीख में अदलिया वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, ये माहौल चल रहा है पाकिस्तान का, और यही एक सच्चाई है। अब रात देखिए, मैं आपको आपने कहा रिलीफ के हवाले से, तो फैसल वाडा को एक नोटिस दिया गया है तोहीन अदालत का, लेकिन मुझे लगता है इनसे भी थोड़ी सख्त बातें रऊफ हसन साहब ने की थी, ताऊ तब का अल्फाज यूज कर लिया था, लेकिन उनको नोटिस नहीं दिया गया। तो अब आप ये समझ सकती हैं कि अब अदलिया वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट हो गया है पाकिस्तान में, और ये जो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। और अभी पीटीआई की अदलिया का झुकाव पीटीआई की तरफ है, एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इसकी तरफ है। अब ये लड़ाई जा रही है जिससे आम आदमी को, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा।